आप लोग मुझे इस तरह यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कहिए ना भैया, क्या इमरजेंसी थी ऐसी? बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, तू हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तू जानती नहीं तो हम सबकी जान है, और तुझे यहाँ लाने का सबसे बड़ा मकसद है तुझे सेफ रखना। यहाँ देख, तेरा सच नहीं, जो भी है सब पता है। तुझे उस घर में कैसे ट्रीट किया जाता है, विक्रम तुझे कैसे ट्रीट करता है, अम्बा तेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, सब पता है तेरे भाई को। उससे जो हमारी इस फैमिली के साथ किया है, हम सब राइशंस के साथ किया है, हमारी कंपनी टेक ओवर की है, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है, सबके लिए मेरी बहन, उसे रोकना बहुत जरूरी है। उसे उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक तू वहां है, क्योंकि तू जानती है वो किस हद तक गुजर सकती है। वो हमें नीचा दिखाने के लिए तुझे टॉर्चर कर सकती है, और वो हम नहीं सह पाएंगे। सल्ला सल्ला सल्ला, अपने भाई के लिए विक्रम को छोड़ सकती हो? इन्होंने जो मेरी इतनी इंसल्ट की है ना, उसका बदला तुम लोग जला दो। ये दो टके की लड़की और देव की शादी का वेडिंग कार्ड। गलती मेरी थी भैया, विक्रम मेरी चॉइस थी। प्लीज ऐसा कभी मत समझना, गलती सिर्फ तेरी, गलती हमारी भी है। मुझे तो अगर पहले से अगर पता होता ना कि ये जो तेरी आईमी मौसी है, अम्बा है, तो मैं शादी होने नहीं देता। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं तुझे तेरी अम्बा मौसी की हकीकत बताता हूँ। तेरी शादी में मुझे मेरे कपड़े उतारने में मजबूर कर दिया था उस औरत। तुम्हारी बहन शादी के बाद मेरे यहाँ आने वाली है, चाहते हो कि वो खुश रहे? ऑफ कोर्स। अपने ब्रांडेड कपड़े उतार दो। अब अपना हाथ मेरे हाथ में दो। विक्रम से तेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि वो मेरे नजदीक आ सके। अब कुछ हमारी जिंदगी में रंग भरने की बातें कर ले। तुमसे इश्क हो गया, तुम्हारा चैन, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख सब मैं हूं। आज खुद तुमने अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोला है। भगवान हमारे इस रिश्ते को मंजूरी दे रहे हैं। तेरी शादी विक्रम से कराना सिर्फ उसका प्लान था, वो तुझे सिर्फ अपना मोहरा बनाना चाहती ताकि वो मुझे पा सके। तेरी शादी विक्रम से कराना सिर्फ उसका प्लान था, वो तुझे सिर्फ अपना मोहरा बनाना चाहती ताकि वो मुझे पा सके। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो वो गुस्सा हो गया। उसके बाद जब उसे ये पता चला कि मेरी लाइफ में विधि आ गई है, तो उसने विधि की एक फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाई जो ये कहती थी कि विधि को एक जानलेवा बीमारी है। मैंने कहा था कि ऐसी कोई बीमारी बताना जिसका कोई इलाज नहीं है। तुमने मुझे कहा मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसका कोई इलाज नहीं। मैंने बोला ठीक है, अब कैसे रातों रात इलाज पैदा हो गया? हाँ, विधि को कोई जानलेवा बीमारी नहीं। मुझे अम्बा जी ने मजबूर किया था कि इस मामूली सी डेफिशिएंसी को मैं एक जानलेवा बीमारी करार दूं। वो चाहती थी कि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि विधि कुछ ही दिनों में मरने वाली है। जब ये भांडा उसका फूट गया तो फिर उसने हमारी शादी में आके हंगामा मचाया, याद है ना तुझे? मैंने इतना बड़ा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है सबकी जिंदगी में, जब फटेगा ना तभी पता चलेगा। और उसके बाद वो दिव्या का स्कैंडल, और अब ये कंपनी टेक ओवर। खुद सोच तू कि अगर वो तुझे अपनी बेटी जैसी मानती है तो जो हमने तुझे 25% दिए थे क्यों छीन लिए उसने तुझे? आप सही कह रहे हैं भैया, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए थे। पर चित्रा, तूने डॉक्यूमेंट साइन किए क्यों? नहीं करने चाहिए थे साइन। अगर भैया मैं नहीं करती तो वो लोग मेरा उस घर में जीना नामुमकिन कर देते। विक्रम ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, वो तो एमी मौसी के पीछे दुम हिलाता फिरता है।
अगर घर में कोई आए तो मुझे कमरे में बंद कर देते हैं, हर बात पे मेरे साथ बदसुलूकी करते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं। ये सब उसके लिए नॉर्मल है भैया, सब कुछ। चंद्रा, हम सब जानते हैं कि आप वहाँ कितनी परेशान है, इसीलिए हम सब चाहते हैं कि आप यहाँ रहें हमारे साथ सेफ। मैं जानती हूँ कि अम्बा ने आपको ऐसा फील कराया कि हम सब आपका परिवार नहीं है, हमें आपकी कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है और ये आप जानती है। घर वही होता है जहाँ अपने हो, परिवार हो, हम सब हैं आपके साथ। अम्मा, भैया, मैंने ये सब कुछ समझने में बहुत देर कर दी। अहमी मौसी ने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए किया है, हमारे इस परिवार को बर्बाद करने के लिए किया है। पर अब नहीं, मैंने बहुत सारे दिन उस घर में खामोशी से निकाल दिए, लेकिन अब मैं इस घर की बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। बेटा, जो कुछ भी हुआ ना उसे बुरा सपना समझकर भूल जा, हम सब साथ। चित्रा, अब तो अपने घर वापस आ गई, अपने परिवार वालों के साथ, तुझे किसे डरने की कोई जरूरत नहीं, समझी? बस हम सबको ना एक बात का ख्याल रखना होगा कि किसी को भी, स्पेशली अम्बा को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए कि चित्रा यहाँ है हम सबके साथ। सर, पिछले 40 सालों से रायचंद परिवार बालघर को फंड कर रहा है और इसी फंड से बालघर के बच्चों की परवरिश होती है, लेकिन सर इस महीने फंड नहीं आया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप फंड भिजवा दीजिए, बच्चों का सारा खर्चा इस पर ही टिका हुआ है। I'm sorry कि आप तकलीफ में, I'm really sorry, लेकिन ये जो बाल घर है ये तो देव रायचंद की पर्सनल जिम्मेदारी है ना, करेक्ट? अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ कोई भी रायचंद ना तो शेयर्स में है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में, सो आई गेस आपको देव रायचंद से पर्सनली बात करनी पड़ेगी। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, देव सर और उनकी फैमिली खुद ही प्रॉब्लम में है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है और बाल घर के बच्चों का दूध भी बंद हो गया है, कल के खाने का क्या इंतजाम होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है सर। वाओ, फैंटास्टिक, तो ऐसे बेगैरत लोगों को रखा क्यों अपने पास, उठाकर फेंक दो उन्हें सड़क पर। जिन लोगों को आपको पैसे देने चाहिए वो खुद आप पर बोझ बनकर बैठे हैं। ननिहाल हुआ कंगाल। आप तो देव को भगवान मानते हैं ना, तो अब साक्षात भगवान और उसका पूरा परिवार आपके साथ रह रहा है, उनसे पैसे मांगो, यहां क्यों आए हो खैरात मांगने के लिए? देव भगवान और विधि देवी, उनसे कहिए आप पर बोझ बनकर मुफ्त की रोटियां ना तोड़े। वैसे विधि देवी को रोटी नहीं देंगे तो चलेगा, बचपन से भूखे मरने की आदत है उसे, उसे कहिए ऐसे रोज रोज भूखे मरने की बजाय एक ही बार में पूरी तरह से मर जाए। आप पर बोझ तो कम हो जाएगा, कोई फंडिंग नहीं मिलेगी बाल घर को। योगेश प्लीज इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। प्लीज, थैंक यू।
कमाल का एनवायरनमेंट है, ये कैसा ऑफिस है? चलना छोड़ना मुझे क्या, मैं अपना क्यूबिकल ढूंढता हूँ और अपना काम करता हूँ। हाय सर। हाय। आप शायद अपना क्यूबिकल ढूंढ रहे हैं ना? राइट, एक्चुअली मेरा पहला दिन है तो। डोंट वरी सर, मैं हूँ ना यहाँ, अगर ऑलपिन भी खो जाती तो मैं ढूंढ देता हूँ। क्यूबिकल क्या चीज है, फॉलो मी। ये आपका क्यूबिकल आ गया। थैंक यू बड़ी। वेट वेट, ये वही देव रायचंद है ना? हे ब्रो, ये डायरी और कैलकुलेटर, इन सब स्टफ की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, काउंटर से टैबलेट मिल जाएगा। वाओ, सूट पहनकर आए हैं आप? कम ऑन, इजंट इट टू हॉट? आई नो इट्स हॉट, बट ऑफिस का एक डेकोरम होता है, एक स्ट्रेस कोड होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं। बट व्हाई? आई मीन हम स्कूल में थोड़ी ना है कि ड्रेस कोड होना कंपलसरी है। एनीवेज, इट्स ऑल कैजुअल। कैजुअल? कैजुअल। बहुत अच्छा नाचती है। थैंक यू बेटा, अभी मैं जैसा कहूंगी आप सबको वैसे ही नाचना है, ठीक है? हम तत्काल से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ता थई थई तत, ता थई थई तत। मम्मी जी कितना अच्छा डांस कर रही है ना? भाभी, मुझे खुद नहीं पता था कि मम्मा इतना अच्छा डांस कर लेती हैं। It's unbelievable। हाँ चित्रा, माँ कितना खुश है ना? वाह, क्या जुगलबंदी थी सास और बहू के बीच में, मजा आ गया ना? हाँ भाई, सुपर। अब कीजिए ना, कितना अच्छा करेगा, कंटिन्यू कीजिए। अभी आप भी करेंगे, ओके? स्टार्ट। हे भगवान, आज आपकी वजह से मम्मी जी को फिर से जीने की एक नई उम्मीद मिली है। आपका बहुत बहुत आभार। बस ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना। आज कितने दिनों बाद मेरा परिवार फिर से मुस्कुरा रहा है। आपका दिल से आभार। लेकिन भगवान जी, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है ना, उन्हें सजा दिलवाने के लिए हमारी मदद कीजिएगा। विधि बेटा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, कहिए ना, क्या हुआ? वो अंबा जी ने बाल घर का फंड बंद कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का खाना, बाल घर का मेंटेनेंस और उनके स्कूल का खर्चा कैसे पूरा होगा। अब घबराइए मत, अब शांत हो जाइए, सब ठीक होगा।
कर उसने हमें मुश्किल में डाला है तो उसने पहले से कोई ना कोई हल सोच कर ही रखा होगा। भगवान कभी इन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बस हमें ना एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चों को इस बारे में कुछ ना पता चले, चाहे जो हो जाए। बच्चे हैं ना, खामखा डर जाएंगे। हे भगवान जी, आज से मैं 21 शुक्रवार का व्रत रखूंगी और अगर उसे आप किसी भी पुण्य लायक समझो तो उसका फल मेरे बाल घर के बच्चों को दे देना। आप बिल्कुल चिंता मत करो विधि दीदी, आप हमारी सुपर वुमन हो और हम आपके सुपर बच्चे, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। महादेव, यू हैव नो आइडिया, अरे कलम्बा को देख के मैं कितना डर गया था पता है। थैंक गॉड आई कैन से कि कॉलेज का वो थिएटर है ना, वो मुझे याद आ गया और उसी ने मुझे बचा लिया। I can do much better in this now. लेकिन कम। देखो जी, हमें अम्बा के साथ वही खेल खेलना है जो उसने हमारे साथ खेला है। गलत है वो, लेकिन हमको करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमको अपना हक वापस लेने के लिए करना है। और ऐसे चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब वो हार जाएगी। मैं बता रहा हूं, योगेश, तुझे पता योगेश और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। इतने नहीं है, हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगा। उसका ना एक वीक पॉइंट है, वो बचपन से लालची रहा है और अम्मा का ये स्टाइल है, वो इंसान का वीक पॉइंट पकड़ती है और उसे अटैक करती है। अब वक्त आ गया हमें अम्मा को अंदर से खोखला करना है। हाँ, पर कैसे? ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे साथ किया था। अम्बा का सपोर्ट सिस्टम कौन है? योगेश। और योगेश एक कच्चा खिलाड़ी है, वो अपना को समझता बहुत इंटेलिजेंट लेकिन है नहीं। एक बार हमने उसको ब्रेक कर लिया ना कौशिक, अम्बा खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका सपोर्ट सिस्टम सिर्फ वो है। क्या बात है, सुपर आइडिया देव। अगर सब कुछ इसी प्लान के मुताबिक चला ना तो एक बात नक्की है, जीत अपनी पक्की है। कौशिक, ये प्लान कामयाब होना चाहिए किसी भी हालत में। कौशिक, मुझे अम्बा से बदला लेने को इंटरेस्ट नहीं है, बदला छोटे लोग लेते। ये हक की लड़ाई है जो लड़नी बहुत जरूरी है। हेलो, सरकारी निमंत्रण है, आइए दर्शन दीजिए देवी। पर क्यों, क्या हुआ है? कमाल है आपकी याददाश्त भी। हाँ, अल्लाह आप सब भूल गई। कोई बात नहीं, थाने आ जाइए, यहाँ अच्छे अच्छों की याददाश्त ठीक हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। मुझे जाना होगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। कहिए वो राकेश का मैटर तो नहीं है?